खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि अफगानिस्तान में जारी तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान झड़पों में भारत के डबल गेम खेलने का ड्रामा बेनकाब हो गया है। एक तरफ तालिबान से मुजाकरात जबकि दूसरी जानिब इनके खिलाफ असलहे की फराहमी ने भारत के मजमू मकासद का पर्चा चाक कर दिया है। इतलाफ के मुताबिक सफारती अमले के इनखला के नाम पर दो भारतीय C-17 तैयारों की अफगानिस्तान आमद हुई। तैयारे वजायर अपनी अमले को लेने आए लेकिन दर हकीकत दोनों असलहे से भरे हुए थे। ये तैयारे अफगानिस्तान में असलहे की बड़ी खेप उतार कर आए। भारतीय तैयारों में लाया गया असलहा अफगान तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल होना है। ये असलहा भारत ने तालिबान के खिलाफ अशरफ गनी हुकूमत को फराहम किया। रिपोर्ट के मुताबिक 10 जुलाई को भारतीय तैयारा कंधार में 122 mm कैनन की 40 टन गोलियां लेकर गया जबकि 11 जुलाई को दूसरा तैयारे से 40 टन गोलियों काबुल पहुंचाई गई। काबुल और कंधार में भारतीय तैयारों से असलहा उतारते भी देखा जा सकता है। इस तरह के वाकयात मंजर आम पर होने के बाद यह साबित होता है कि भारतीय एक तरफ मुजाकरात का राग अलाप रहा है जबकि दूसरी तरफ वो तालिबान की पीठ पर छुरा घोंपने में मसरूफ है। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी के पेश नजर भारत ने कंधार का कौंसलखाना बंद कर दिया। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी से भारत घबरा गया है। 50 भारतीय सफारतकारों समेत स्टाफ के अरकान को खसूसी तैयारी के जरिए वापस नई दिल्ली बुला लिया गया है। भारतीय हुकाम के मुताबिक काउंसल खाने को आर्जी तौर पर बंद किया गया है। काबुल सफारतखाना और मजार शरीफ का काउंसलेट बदस्तूर उमूर सर अंजाम दे रहा है। अफगानिस्तान के 26 सूबों में हुकूमती फोर्सेस और तालिबान के दरमियान लड़ाई जारी है। गजनी और कंदहार समेत कई बड़े शहरों पर कब्जे के लिए घुमसान कारण जारी है। काबुल समेत कई बड़े शहरों में बेयकीनी की सूरत हाल है। अफगानिस्तान मैदान जंग बन चुका। अफगान मीडिया के मुताबिक इस वक्त 34 में से 26 सूबों में हुकूमती फोर्सेज और तालिबान के दरमियान लड़ाई जारी है। कंधार, कंदोज, काबुल, तहार, बामियान, परवान और बल्ह सूबों में तालिबान ने अफगान फोर्सेज पर हमले किए हैं। तालिबान ने दावा किया है कि कंधार शहर में पुलिस स्टेशन और कई चेकपोस्टों का कब्जा हासिल कर लिया है। सुबह कंदोज में हुकूमती फोर्सेज के दो हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गए। सुबह पक्तिका में सिक्योरिटी अहलकार मजामत के बगैर तालिबान के साथ शामिल हो गए। उधर अफगान अवाम हुकूमत और तालिबान से जंगबंदी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। काबुल के शहरियों का कहना है कि चार दहाइयों से बदअमनी में रहने पर मजबूर हैं, अब इनके मुल्क में अमन होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आजाद कश्मीर का इंतहाबी मार्का नून लीग का हथियाबाला में जलसा। वोट चोरों ने इस बार डाका डालने की कोशिश की तो मुंह की खाएंगे, आजाद कश्मीर को सूबा नहीं बनने देंगे। सिलेक्टेड की घर में इज्जत होती है ना बाहर। इमरान खान वोट मांगने आए तो नामाए अमाल साथ लेकर आए। मरियम नवाज का खिताब। आप लोग हर जगह ये नारा लगाते हो ना, बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। वोट चोरी की आदत रखने वालों, कश्मीर के वोटों पर अगर तुमने डाका डाला तो याद रखना इस दफा तुम्हारा मुकाबला शेर राजा फारूक हैदर के साथ है। इमरान खान, जब कश्मीर का रुख करना तो अपना नामाए अमाल भी अपने हाथ में लेकर आना। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक ही इंसान खुशहाल है, खुशहाल है, उसका नाम है इमरान खान। उसकी वजह यह है कि ना उसको आटे की लाइनों में लगना पड़ता है, ना उसको महंगे घी से कोई फर्क पड़ता है, ना उसको चीनी की लाइनों में लगना पड़ता है, ना उसको एक किलो चीनी के लिए अंगूठे पे निशान लगाना पड़ता है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि अपोजिशन वाले सिर्फ टीवी पर कश्मीर का केस लड़ रहे हैं, इमरान खान पूरी दुनिया में कश्मीर का केस लड़ेगा। बिलावल के पूरा दस्ता ले जाए सीवी का, उसकी सीवी है ही कोई नहीं, उसकी सीवी मैं जानता हूं। पाकिस्तान में बिलावल की सीवी मेरे पास है, सो वो मेरे दिल का जानी है, इसलिए वो रौनक है सियासत की।
सो कश्मीर में भी उसका जाना बड़ा जरूरी है, उसके बगैर तो बेमजा है काम। मरियम सफदर नवाज शरीफ की करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग की वारिस हैं। फरुख हबीब ने कहा कि कश्मीरी पूछ रहे हैं मोदी को शादी पर क्यों बुलाया गया, जब मोदी इनके घर आया तो आजादी कश्मीर की बात क्यों नहीं की गई। ट्वीट में कहा कि आर या पार करने वाले हर जगह एनआरओ के लिए खार हो रहे हैं। कोरोना वायरस के सबब मजीद 27 अमवात, मजबत केसेस की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा, सबसे ज्यादा मौत की तादाद सूबे पंजाब में रिकॉर्ड हुए। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान में कोरोना वायरस के सबब मजीद 27 अमवात जबकि 1980 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 4.9% हो गई है। NCOC के मुताबिक मुल्क में अमवात की मजमू तादाद 22,582 और मस्बत केसेस की तादाद 9,73,284 हो गई है। एक्टिव केसेस की तादाद 37,499 है और 9,13,203 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। NCOC के मुताबिक कोरोना के सबब सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई, जहां 10,819 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि सिंध में 5,599, खैबर पख्तूनख्वा में 4,369, इस्लामाबाद में 783, गिलगित बल्तिस्तान में 111, बलूचिस्तान में 317 और आजाद कश्मीर में 594 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना SOPs NCOC की हिदायत पर अमल दरामद शुरू, तमाम सूबों को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए हिदायत जारी, SOPs और हिफाजती इकदाम पर अमल दरामद के लिए टीमें तश्कील। जी भी आजाद कश्मीर के VK में होटल बुकिंग के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार, NCOC की हिदायत पर रबावेशी मंडियों और ईद से मुतालका SOPs के नफाज के लिए अहकाम जारी कर दिए गए। तफरीही मकामात, सिनेमा घर, शादी हॉल, जिमनासियम आने वाले अफराद के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां, तमाम हाई रिस्क सेक्टर्स में सूबों के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए तफसीली हिदायत जारी कर दी गई। मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासले और हिफाजती इकदाम पर अमल दरामद के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मवेशी मंडियों और ईद से मुतालिका SOPs के नफाज के लिए भी अहकाम जारी किए गए। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और KBK में होटल बुकिंग के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। इन मकाम के दाखिली रास्तों और होटल्स में दाखिले पर वैक्सीन सर्टिफिकेट की तस्दीक के लिए तरीकाकार का इजरा भी कर दिया गया। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, अंदरून और बैरून शहर चलने वाली ट्रांसपोर्ट में भी SOPs पर अमल दरामद की हिदायत दी गई, जबकि मसाजिद और बाजारों के लिए पहले से जारी SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। जिले इंतजामिया के लिए तफसीली चेक का लिस्ट जारी कर दी गई। खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद और इदारे के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोरोना वायरस केसेज में इजाफा होते ही बलोचिस्तान हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन के तर्ज की नई पाबंदी याद कर दी। इस बात का ऐलान तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने किया। इनका कहना था कि केसेस बढ़ते ही गुज़श्ता ईद से पहले लॉकडाउन का फैसला किया गया था, जिसके अच्छे नतायज बरामद हुए थे। तर्जमान का कहना था कि अप्रैल के बाद सबसे ज्यादा गुज़श्ता रोज कोरोना के शरह रिपोर्ट हुई। गुज़श्ता रोज बलोचिस्तान में कोरोना के फैलाव की शरह 9.43% रिकॉर्ड की गई। उन्होंने कहा कि ईद कुर्बान करीब आते ही बाजारों और मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया है। लियाकत शाहवानी का कहना था कि कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर बलोचिस्तान में कारोबारी मराकज 10 बजे तक बंद करने का फैसला किया गया है। रेस्टोरेंट में अब सिर्फ 50% लोगों को खाना खाने की इजाजत दी जाएगी। इनका कहना था कि शादी हाल और मजारात सख्त SOPs के तहत खुले रहेंगे, जबकि पूरे सूबे में जुम्मे के रोज तमाम मार्केटों को बंद रखा जाएगा। सिनेमा में कोरोना वैक्सीनेशन वाले अफराद दाखिल हो सकेंगे। तर्जमान हुकूमत बलोचिस्तान ने कहा कि अवामी इजमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 29 सियासी रहनुमाओं और आम शख्सियात से पुलिस सिक्योरिटी वापस ले ली। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने एलीट फोर्स के 58 अहलकारों को हेडक्वार्टर तलब कर लिया। जी हां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MLA अनवर ताज और सेनेटर अयूब आफरीदी के सिक्योरिटी अहलकारों को भी हेडक्वार्टर तलब कर लिया गया है। साबिक DG NAB के PK नासिर फारूक अवान की हिफाजत पर तायुनात 7 अहलकार भी वापस चले गए। ANP रहनुमाओं का सिक्योरिटी वापस लेने पर तहफात का इजहार। ML वली खान ने कहा कि अगर कोई नाखुशगवार वाकया हुआ तो जिम्मेदार सेलेक्टेड हुकूमत होगी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि मचा और सवात में बंजर पहाड़ सरसब्जो शादाब हो रहे हैं।
अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में विलियंट्री सोनामी मुहिम के शानदार नतायज सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि इंशाअल्लाह हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए साफ सुथरा और सरसब्ज़ और शादा पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में मट्टा और स्वात के पहाड़ों की वीडियो भी शेयर की, जिसमें माजी के इन बंजर पहाड़ों पर सरसब्ज़ दर लहराते हुए नजर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अपनी ट्वीट में लिखा कि स्वात के इलाके मट्टा में बंजर पहाड़ सब्जा ओढ़े रहे हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में हमारी बिलियंट्री सोनामी मुहिम के हैरत अंगेज नताइज की करिश्माती झलक है। इमरान खान ने लिखा कि रब्बुल जलाल की मदद शामिल हाल रही तो हम एक साफ और सरसब्ज़ और शादाब पाकिस्तान अपनी आइंदा नस्लों के हवाले करेंगे। दूसरी जानी विफाक के वज़ीर इत्तला'आत चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि शहबाज शरीफ पर 25 अरब रुपए जालसाजी से बाहर भेजने का इल्जाम है, अपोजिशन लीडर तफ्तीशी टीम के किसी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं। वफाकी वजीर इत्तला'आत चौधरी फवाद हुसैन ने अपने ट्वीट में कहा है कि शहबाज शरीफ पर इल्जाम है कि उन्होंने 25 अरब रुपया जालसाजी से पाकिस्तान से बाहर भेजा। ये रकम वो रकम है जो पता चल गई, असल रकम इससे बहुत ज्यादा हो सकती है। ऑपोजिशन लीडर कहते हैं कि बच्चों को पता होगा, बच्चे मफरूर करा दिए, इनका जेल से बाहर होना मजाक नहीं तो क्या है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मरकजी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा है कि वजीर आजम इमरान खान की कारकर्दगी झूठ, बदजबानी, बदकलामी और बदअखलाकी है। इमरान खान की कारकर्दगी नवाज शरीफ के मंसूबे पर नई तख्तियां लगाना और पुरानी उखाड़ना है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की कारकर्दगी नवाज शरीफ किडनी अस्पताल का नाम बदलना है, जबकि स्वात में गुर्दों के इलाज का अस्पताल सरकारी वसाइल से तामीर नहीं हुआ था, बल्कि स्वात में नवाज शरीफ किडनी अस्पताल की तामीर निजी एहतियात के जरिए हुई थी। वजीर आजम के मुआवन खसूसी बराए सियासी अबलाग डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि मरियम सफदर लूटमार की मीरास पर बैठकर जमहूरियत का राग अलाप रही हैं। मफरूर बादशाह सलामत ने इस मुल्क को जाती जागीर की तरह चलाया। मफरूर इश्तिहारी के नाम से पंजाब में 47 सरकारी इदारों के नाम हैं, तख्तियों के नाम पर ही नाहे लीग ने लूटमार की है। डॉक्टर शहबाज गिल ने मरियम औरंगजेब के बयान पर अपने रद्द अमल में कहा कि बीमारी के बहाने मफरूर के दरबारियों के लिए अस्पताल का नाम लेना भी बाइस से शर्मिंदगी होनी चाहिए, शर्मिंदा होना होता है। कैलिबरी क्वीन वहां सरकोई की एक्टिंग शुरू कर देती हैं। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि चोर लुटेरों के बराए नाम कारकर्दगी सिर्फ किकबैक्स, कमीशन और माल बनाने तक ही महदूद है, ना है ली की पूरी सियासत माल लगाओ और माल कमाओ तक महदूद है। मरियम सफदर करप्शन, धोखादही और लोटमार की मीरास पर बैठकर जमहूरियत का राग अलाप रही हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब वाहिद सूबा है जिसने टैक्स टारगेट हासिल किया है, साबिक हुक्मरानों ने सूबे की मईशत को अपनी नाहेलियों से तबाह कर दिया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा है कि गुज़श्ता माली साल के दौरान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की वसूलियों में 24.7% इजाफा हुआ। महकमा एक्साइज की टैक्स वसूली का टारगेट 18% ज्यादा रहा। कोरोना के मुआशी असरात कम करने के लिए कारोबारी अफराद को खसूसी मराहत दी गई। लाहौर के इलाके डिफेंस से एक साबिक मॉल की लाश बरामद हुई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मकतूला की उम्र लगभग 30 साल थी, इसे गला दबाकर कत्ल किया गया। केस पर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस जराए का कहना है कि यह वाकया गुज़श्ता रात पेश आया। पुलिस इतला मिलने पर डिफेंस के इलाके में पहुंची तो वहां एक घर में एक खातून की लाश मौजूद थी। तफ्तीश करने पर पता चला कि मकतूला साबिक मॉडल और इसका नाम नायाब है। पुलिस ने मकतूला नायाब के भाई की मुदय्यत में नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी हैं। जापानी बहरिया के जहाज जोगेरी ने कराची बंदरगाह का दौरा किया। पाक बहरिया के आला हुकाम और जापानी दिफाई अताशी ने जहाज का इस्तकबाल किया। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए मुश्तरका मश्क भी की गई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक दोनों ममालिक के बहरी जहाजों ने मुश्तरका मश्क का इनेकाद भी किया। दो तरफा मश्क में कसीर अल जहती बहरी ऑपरेशन का मुशाहरा किया गया। मश्क का मकसद दोनों ममालिक की बहरी फौज के माबेन तआवुन और इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी का फरोग था। दो तरफा मश्क खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के अज़म किया आईना दार है। पाक बहरिया और जापानी नेवी खिते में बहरी सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम कर रही है। जापानी बहरिया का युगेरी जहाज कशीरुल कौमी बहरी मश्क अम 21 भी शरीक था।
ईद उल अजहा के करीब आते ही सूबे में मवेशी मंडी सच के व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव का सिलसिला भी जारी है। मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें गुजश्ता साल की निस्बत इस साल ज्यादा होने से खरीदार परेशान दिखाई देते हैं। तफसीलात सिबी से ताहिर अब्बास की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बा की आमद आमद सिबी में भी मवेशी मंडी सज गई। मवेशी मंडी में बड़ी तादाद में जानवर लाए गए हैं। मंडी में खरीदारों का भी खासा रश है। व्यापारियों और खरीदारों में भावताव का सिलसिला भी जारी है। खरीदारों का कहना है कि मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल ज्यादा हैं। तो गुज़श्ता साल में 15 से 20 हज़ार तक के मिलते थे, वो इस दफ़ा 35 से 40 हज़ार 45-50 हज़ार कीमत कह रहे हैं। तो अभी चक्कर लगा रहे हैं, जानवर खरीदा नहीं है, लेकिन लगता है दवा ज्यादा अरूज पे महंगाई है। तिब्बी के शहरियों ने मवेशी मंडी का तो रुख कर लिया, मगर जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जानवरों की कीमतें सुनकर कई खरीदारों की कुव्वत खरीद खत्म हो जाती है। मंडी के रेट जो है तो वो बिल्कुल आसमान से बातें कर रहे हैं। इस महंगाई के दौर में गरीब आदमी के लिए कुर्बानी करना बहुत मुश्किल हो गया है, और एक मजदूर और तनख्वाहदार तबके के लिए इस बार कुर्बानी बहुत ही मुश्किल हो गई है। सिबी में मवेशी मंडी तो सज गई, मगर जानवरों की कीमतें ज्यादा होने के बायस आम आदमी के लिए कुर्बानी करना नामुमकिन हो गया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद ताहिर अब्बास, रोज न्यूज सिबी। हैदराबाद में वासा हुकाम की नाहेली के बायस गुज़श्ता एक माह से जारी सीवरेज और पानी की लाइनें मरम्मत नहीं की जा सकी, जबकि शहर की अहम शाहराह खंडरात का मंजर पेश कर रही है, जिसके बायस शहरियों को भी मजीद मुश्किलात का सामना है। आशिक हुसैन तफसील के साथ। ईद कुर्बा के करीब आने के बाद भी हैदराबाद में कोहिनूर चौक के मुकाम पर वासा हुकाम की नाहेली के बायस गुज़श्ता एक माह से जारी सीवरेज और वाटर सप्लाई की लाइनों की मुरम्मत नहीं की जा सकी, जबकि शहर की अहम शाहराह खंडरात का मंजर पेश कर रही है और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है। इलाका है ये कोहिनूर चौक, हैदराबाद का कोई सा भी ट्रैफिक जो है यहाँ से गुजरे बगैर अपने ठिकाने पर नहीं पहुँच सकता, और आज इसको मैं समझता हूँ करीबन नहीं तो 2 हफ्ते से ऊपर हो गया होगा। खुदेवे ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो है ये इंतहाई नाकिस तरीके से इसकी काम हो रहा है। यहाँ पर एक काम को हाथ लगाते हैं, दूसरा काम इनका गले में पड़ जाता है। फुर्दो सिनेमा से रास्ता जाता है कोहिनूर से होता हुआ, इसमें बड़ी परेशानी है, ये बना नहीं रहे और इसको जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए ताकि आवाम की परेशानी दूर हो सके। ये तकरीबन 3 हफ्ते हो गए हैं, यहाँ रोड का निज़ाम बहुत धर्म भरम है, रेशम गली है, मस्जिद है, और हुकूमत इस तरह खामोश बैठी हुई है कि इसको चाहिए हुकूमत को कि जल्द से जल्द अपने इस फैसले को देके इस रोड की जल्द से जल्द मरम्मत करे। सीवरेज और वाटर सप्लाई की लाइनों की मरम्मत के बायस पीने के पानी की फरहमी भी मुतासर है, जबकि मुजर सहित पानी की फरहमी भी जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी साफ नहीं मिला, और पानी तो है ही नहीं, पानी तो है ही नहीं। करोड़ों रुपए का इनको फंड मिलता है, कितनी करोड़ों रुपए की इनको मशीनरी मिलती है, लेकिन एक थोड़ा सा ये इनको पानी इनको साफ ही हमें प्रोवाइड नहीं करते। ये गाड़ी खाचे का इलाका है, 2 महीने से इसकी ये हालत हो हुई है जो आप देख रहे हैं। नंबर 2 बात ये है, थोड़े थोड़े टुकड़े तोड़ते और बनाते हैं, पूरी कौम को पूरे इलाके को इन्होंने ये रकमाल बनाया हुआ है, पानी नहीं मिल रहा। शहरियों ने जिला इंतजामिया के हुकाम से मुतालबा किया है कि कोहिनूर चौक पर जारी सीवरेज और वाटर सप्लाई की लाइनों की मरम्मत के काम में सुस्तरवी का नोटिस लिया जाए। कैमरा टीम के साथ आशिक हुसैन, रोज न्यूज हैदराबाद। और अब एक नजर आलमी मंजरनामे पर। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 18,72,00,000 से बढ़ गई, जबकि 40,42,981 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 17,12,00,000 से जायद और फाल केसेज की तादाद 1,19,81,000 से जायद है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 6,22,821 तक पहुंच गई है, जबकि 3,47,26,000 से ज्यादा मुतासिर हैं। भारत में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 3,08,37,000 से ज्यादा है,
और 4,08,072 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। ब्राजील में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1,90,69,000 से जायद हो गई है और 5,32,949 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। फ्रांस में 58,08,383 अफराद मुतासर और 1,11,321 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। तुर्की में 54,76,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासर और 50,192 हलाक हो चुके हैं। रूस में 57,58,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं और अमवात की मजमू तादाद 1,42,253 है। बरतानिया में 50,89,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासर हैं और 1,28,399 अमवात हो चुकी हैं। खबरें शामिल करेंगे खेल के मैदान से। शब्बीर इकबाल ने 25वीं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली है। इस्लामाबाद गोल्फ क्लब के शब्बीर इकबाल 12 अंडर 276 ग्रास स्कोर के साथ। आपको बताते चलें कि लाहौर गोल्फ क्लब के अहमद बेग ने 11 अंडर पार रहा, इसके अलावा 277 ग्रास स्कोर के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। लाहौर गोल्फ क्लब के मतलूब अहमद 8 अंडर पार 280 ग्रास स्कोर के साथ तीसरे नंबर पर रहे। मोहम्मद शबीर इकबाल को 9,04,475 रुपए इनाम भी दिया गया। इसके साथ साथ अहमद बेग 5,74,750 रुपए इनाम के हकदार ठहरे और मतलूब अहमद ने 3,38,800 रुपए जीते। कराची गोल्फ क्लब के अफसर अली होल इन वन का एजाज हासिल करने में कामयाब हुए। इन्हें कराची गोल्फ क्लब के अली को 75 लाख मालियत की कार इनाम में दी गई। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ रेयर एडमिरल अमजद खान न्याजी ने इन आमात तकसीम किया। इंग्लैंड के हाथों दो मैचेस में शिकस्त के बाद कौमी स्क्वाड लंदन से बर्मिंघम पहुंच गया। कौमी क्रिकेट टीम कल दोपहर से नेट सेशन में शिरकत करेंगे। तफसीलात साद अवासी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे मैच 13 जुलाई को बर्मिंघम में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट स्क्वाड लंदन से बर्मिंघम पहुंच गया, जहां पर कौमी स्क्वाड की कोविड-19 टेस्टिंग भी की जाएगी। टीम आज किसी भी ट्रेनिंग सेशन में शिरकत नहीं करेगी। पहले दो वनडे मैचेस में शिकस्त के बाद कौमी टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का भी इम्कान है। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों पहले वनडे मैच में बआसानी इंग्लैंड ने 9 विकेट से शिकस्त दी थी, जबकि दूसरे मैच में पाकिस्तान को 52 रन से शिकस्त देकर सीरीज 2-0 से अपने नाम की थी। साद अब्बासी, रोज न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।